साधना मार्ग में अनेक साधक बड़े उतावले होते हैं, बहुत ज्यादा उतावले हैं। वो ये समझते हैं कि हम आश्रम में पहुंच गए हैं या किसी गुरु की शरण में पहुंच गए हैं और अब हमें कुछ उन्होंने पुस्तकें पढ़ ली, उनका अध्ययन कर लिया कुंडलिनी शक्ति के बारे में, तो वो अपने उतावलेपन के कारण में कभी कभी यह समझने लग जाते हैं कि हमें जल्दी ही आत्मज्ञान हो जाएगा, मतलब कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, अज्ञान चक्र पर आ जाएगी। इसी में एक कथा आ रही है, कहने का तात्पर्य कि जो साधना मार्ग है ये निरंतर प्रयास है, सतत प्रयास है, बिना रुकावट के है, बिना रुकावट के इसे करना है। एक बार एक साधक, कोई नया नया साधक था, आश्रम में पहुंचा, किसी गुरु के महाराज गुरु महाराज के बारे में सुना था कि ये बहुत पहुंचे हुए, मतलब सिद्ध पुरुष हैं, आत्मज्ञानी हैं, तो वो आश्रम में उतावलेपन से आया तो सीधे पहले वो जब गुरु के पास पहुंचा आश्रम में, तो कहने का कि महाराज, गुरु महाराज, मैं आपका परम शिष्य हूं, मैं आपका सबसे प्रिय शिष्य हूं और मैं ये चाहता हूं कि आपने जो आपका जो ज्ञान है मेरे मन में उड़ेल दीजिए, मेरे हृदय में उसको उड़ेल दीजिए, जिससे कि जल्दी से मैं आपके ज्ञान पा लूं या मुझे सिद्धियां प्राप्त हो जाए, मेरी कुंडलिनी जल्दी से जागृत हो जाए, ऐसा कोई उपाय कीजिए, क्योंकि आप कर सकते हैं, इतनी शक्ति है आप में, और नहीं तो आपका नाम तो बदनाम हो जाएगा। गुरु महाराज ने देखा कि ये थोड़ा सा अभी उसकी स्थिति देखी, अपने योग बल से मानसिक स्थिति को देखा, कहा कि अभी तो ये तो इसका जो मन भी घड़ा है इसमें तो बहुत सारा कीचड़ भरा पड़ा हुआ है, जब तक ये शुद्ध नहीं होगा तो कैसे हो पाएगा। गुरु महाराज ने कहा ठीक है, अगर उसे समझाते कि भाई तू आश्रम में रहो, साधना करो, मतलब ध्यान है, सेवा है, सत्संग है, उपासना है, इनके माध्यम से जब धीरे धीरे तुम्हारी उन्नति होगी तो स्वतः ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा इन बातों को ये समझने वाला नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं कल को तुम्हारे घर पहुंच रहा हूं, चिंता मत करो, और तुम एक खीर बना के रखना, मेवा मिष्ठान वगैरह डाल करके बड़ी सुंदर खीर बना के रखना और मैं खीर खाऊंगा। खीर खाने के बाद मैं तुमको आत्मज्ञान प्राप्त करा दूंगा, तुम्हारी कुंडलिनी को जागृत करा दूंगा। बड़ा प्रसन्न हो गया। आश्रम के जो और शिष्य थे, जो उसे पता लगा कि बहुत वर्षों से यहां पर सेवा में है, तो मन ही मन विचार करने लगा ये कहां तुच्छ लोग हैं, कहां और कहां मैं इतना श्रेष्ठ, और मैं जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा और मुझे आत्मज्ञान हो जाएगा, मेरी कुंडलिनी जागृत होकर के सीधे आगर चक्र में पहुंच जाएगी। घर गया, अगले दिन उसने सुबह से तैयारी की, खीर की तैयारी की, विभिन्न प्रकार के जो साधन है उनको एकत्र किया और गुरु महाराज के आने से पहले खीर को बना करके रख दिया, जिससे कि थोड़ा सा गरम गरम खीर उनको खिला सके। अब गुरु महाराज अपने समय से आए और उन्होंने जब आए तो उन्होंने उसके हाथ में कमंडलू दिया कि तू ऐसा कर, पहले इस कमंडलू में जो तूने खीर बना रखी है इसमें तू जल्दी से डाल, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं पैदल चल के आ रहा हूं। तो उसने बड़ा प्रसन्न होकर के कमंडलू लिया और जैसे कमंडलू को हाथ में लिया तो देखा उसकी उसमें उसमें से बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही थी बहुत तेज की। कहने का मेरे गुरु महाराज है, मैं कैसे आपको इस बर्तन में आपको खीर खिला दूं, मैं आपको अपने बर्तन में जो नया बर्तन है उसमें खीर खिलाता हूं। गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, मेरे को इसी में चाहिए, मैं कोई और बर्तन में भोजन नहीं करता। तो कहने का कि मैं पहले इसको साफ कर देता हूं। गुरु महाराज ने कहा कि तू साफ कहां करेगा, समय कहां है, चूहे कूद रहे पेट में,
तू जल्दी से इसी में लिया, इसी में खीर डाल करके लिया, मैं खा लूंगा और मैं तुझे आत्मज्ञान करा करके मैं चले जाऊंगा। शिष्य थोड़ा कर गया, कहने का कि सुबह से खीर बना रखी है एकदम, इतना परिश्रम कर रखा मैंने और मैं आपको इस आपके कमंडल में कैसे डालूं, मैं बिना धोए इसको आपको खीर नहीं दूंगा। गुरु भी अड़ गए, कहने कि तू बिना धोए इसमें खीर डाल। शिष्य ने कहा मैं नहीं डालता, इतनी मेहनत से मैंने जो खीर बना रखी है मैं कैसे उसका बर्बाद करूं। गुरु महाराज ने कहा कि जो तूने कल कहा था कि मुझे बहुत जल्दी है और जो कुछ ज्ञान आपने पाया हुआ है उसको मेरे मन हृदय में या मन में उसको उड़ेल दीजिए तुरंत ही, जिससे कि मैं शुद्ध पुरुष सिद्ध पुरुष कहलाऊं। मैं उसका उत्तर देने के लिए आया हूं तेरे को। यदि अगर तू एक दिन की दो चार घंटे की जो बनाई हुई खीर है उसको तो इसमें नहीं डाल सकता है, तो जो मैंने आत्मज्ञान का जो फल पाया हुआ है, जो मीठा फल है मेरे पास में, मोक्ष का जो फल है, सिद्धियों का जो फल है, उसको मैंने अनंत जन्मों से उसके लिए परिश्रम किया है, मोक्ष रूपी खीर को बनाने के लिए पता नहीं कितने जन्म मैंने लिए हैं, कितनी मैंने साधना की है, और उसको तू कह रहा है कि मैं तेरे मन रूपी या हृदय रूपी ये कमंडलू मान ले उसको इसमें उड़ेल कैसे दूं, क्योंकि तेरा जो मन रूपी कमंडलू है, जो बर्तन है, इसमें से अभी अनंत जन्म की दुर्गंध है, काम की दुर्गंध है, क्रोध की दुर्गंध है, लोभ की दुर्गंध है, मोह की दुर्गंध है, पाखंड की दुर्गंध है, अभिमान की दुर्गंध है, राग द्वेष की दुर्गंध है। अब कितने दुर्गंध बताऊं मैं तेरे को, मेरे को दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट। अतः तू आश्रम में आओ, अब तू आश्रम में आ, आश्रम में सेवा भाव से, उपासना भाव से और सत्संग में रह कर करके तू धीरे धीरे अपने जो तेरा हृदय रूपी कमंडलू है वो जब साफ हो जाएगा तो सतह उसमें तू आत्मज्ञान का की जो खीर है वो अपने आप ही पहुंच जाएगी। इतना उतावला नहीं मन, मैंने अनंत जन्मों से जो जिसके लिए प्रयत्न किया है मैं कैसे डाल दूं तेरे हृदय में। अगर मैं उसमें डाल भी देता हूं माना तो उसका तो कुछ और हो जाएगा, तू उसे पा ही नहीं सकेगा। अतः धैर्य रख, धीरे धीरे नित्य प्रति अपने अभ्यास में तू मन को शुद्ध कर, मन रूपी बर्तन को शुद्ध कर। तू शुद्ध करेगा तो मैं तो तैयार हूं डालने के लिए भाई, जैसे सूरज प्रातःकाल खिड़की के पास में तैयार रहता है अंदर आने को, खिड़की खुलते ही सूरज का प्रकाश अंदर आता है, इसी प्रकार से तेरे जो मन की जो खिड़की है एक प्रकार से बंद हुई है या उसमें गंदगी लगी हुई है, जैसे जैसे साफ होते जाएगा तो सूरज का प्रकाश तेरे मन रूपी खिड़की में सतह पहुंच जाएगा। अतः जो नए नए साधक होते ना तो उनको बहुत जल्दी हुई रहती है कि शायद हम एक साल में या दो साल में या दस दिन में पांच ही दिन में हम आत्मज्ञान हम पालेंगे, अपने गुरु से महान बन जाएंगे और जो साधक अपने लंबे समय से साधना में हैं इनसे आगे बढ़ जाएंगे, ये आपकी भूल है। साधना जो है तुरंत फुरत का काम नहीं है, एक लंबी प्रक्रिया है। सत्रु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो पतंजलि महाराज कहते हैं कि दीर्घ काल तक भोजन कब तक करते हैं आप कभी ये नहीं कहते कि मैंने आप भोजन कल से नहीं करूंगा। इसी तरीके से आपको अपनी साधना को दीर्घ काल तक निरंतर बिना किसी रुकावट के रोकना नहीं है। उसके बीच में दो महीने किया छह महीने रुक गए, सत्कार से भी तो आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए कि जो गुरु की वाणी है वो अमर वाणी है और मुझे आत्मज्ञान प्राप्त तो होगा, मेरे जन्म और मृत्यु का चक्र टूटेगा हटेगा और मैं मुझे भी अपने गुरु के समान में मोक्ष की प्राप्ति होगी। अतः साधक को धैर्य रखना है, गुरु में श्रद्धा रखनी है, शास्त्रों में श्रद्धा रखनी है और अपने स्वरूप का उसे